Hi you guys, welcome back to my channel. I'm back with yet another Myntra haul. Title आप लोगों ने already पढ़ लिया है. मैं आज आपके साथ share करने वाली हूँ Myntra की oversize shirts का collection. So oversize shirts are love. मतलब मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद है shirts को style करना. जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है casual outing के लिए क्या style करना है, तो I usually go with oversize shirts because इन्हें style करना बहुत easy होता है, cool सी लगती है and पहनने के बाद जो whole vibe आती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है. तो मैंने इस बार Myntra से काफी अमेजिंग सी शर्ट्स पिक की है. मुझे तो सभी बहुत ज्यादा पसंद आई एंड स्टाइल करने के बाद सबका लुक भी ना बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा था. शर्ट्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल तो नहीं है, मैंने ना आई थिंक नियर अराउंड 1000 की रेंज में सभी को पिक किया है, बट क्वालिटी वाइज दीज आर जस्ट अमेजिंग. आप इन्हें फॉर्मली कैजुअली कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं. अब बिना देरी किए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट प्रोडक्ट एंड आई लव दिस शर्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर कॉम्बिनेशन. यू कैन सी इट्स इन व्हाइट एंड पिंक कलर एंड ऑल ओवर दी शर्ट आपको इस टाइप से वर्टिकल स्ट्रिप्स मिल जाती है. स्लीव्स में भी इसमें सेम प्रिंट ही किया हुआ है एंड स्लीव्स की लेंथ फुल है. स्लीव्स के एंड में आपको इस टाइप से ना ऐसे बटन डिटेलिंग मिल जाती है. इसमें नेक आपको स्प्रेड कॉलर के साथ मिलता है एंड बैक में भी इसमें सेम प्रिंट ही किया हुआ है. सो ये वाली शर्ट ना पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी. आप इसे फॉर्मल कैजुअल किसी भी टाइप से स्टाइल कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे क्लोज करके भी स्टाइल कर सकते हैं एंड इफ यू वॉन्ट तो आप इसे ओपन करके भी, मतलब बटन ओपन करके भी स्टाइल कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी स्टाइल करने के बाद. इसका ना मुझे मटेरियल बहुत ज्यादा पसंद आया. इट्स इन सॉफ्ट कॉटन मटेरियल, सो पहनने के बाद ना बहुत ही ज्यादा अच्छा फील आ रहा था. मैंने इसको आई थिंक व्हाइट कलर के ट्राउजर के साथ स्टाइल किया था. बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी गाइस ये स्टाइल करने के बाद. मतलब मेरे पास ना शब्द कम हो गए इस शर्ट की तारीफ करने के लिए, बिकॉज इसका जो ओवरऑल लुक है, स्टाइल है ना, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है एंड मटेरियल तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया. इसमें ना शोल्डर में आपको ऐसे ड्रॉप डाउन पैटर्न में ये शर्ट मिलती है, तो इससे जो लुक आता है ना ओवरसाइज शर्ट का वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है. इसे मैंने ऑर्डर किया है हाई स्टार ब्रांड से एंड हाई स्टार ब्रांड की जो ओवरसाइज शर्ट का कलेक्शन है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है. अगर आपको अच्छी लगती है ओवरसाइज शर्ट तो आप एक बार हाई स्टार ब्रांड को जरूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज कलेक्शन बहुत ज्यादा है एंड वैरायटी भी बहुत ज्यादा मिल जाएगी आपको इसमें. इसमें मैंने अपना साइज एम ऑर्डर किया है. वैसे इसका जो ओवरऑल फिट है ना वो ओवरसाइज लुक में ही है, बट मुझे बहुत ज्यादा ही ओवरसाइज पसंद है इसलिए मैंने एक साइज बड़ा ऑर्डर किया. बट आपका जो यूजुअल साइज है आप वही ऑर्डर करिएगा. इसका ओरिजिनल प्राइस 2799 है, बट ऑफ में मैंने इसको 839 रुपीज में ऑर्डर किया है. सो प्राइस वाइज मुझे इसका ओवरऑल लुक, मटेरियल, सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया है. आप इसे फॉर्मली कैजुअली कैसे भी स्टाइल कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस कलर. तो अगर आपको अच्छी लग रही हो जरूर ट्राई कर सकते हो. इसमें आई थिंक ना आपको दो कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो ये वाली शर्ट का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस, एंड इसका लुक भी ना थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट टाइप से है, मैं आपको आगे बताऊंगी. आप देख सकते हैं इट्स इन ग्रे एंड व्हाइट कलर एंड ऑल ओवर दी शर्ट आपको इस टाइप से ना पूरा चेक पैटर्न मिल जाता है. यू कैन सी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में इसमें सेम ही प्रिंट किया हुआ है. इसका जो सबसे अच्छा पार्ट है ना वो है इसकी स्लीव. इट्स इन बलून पैटर्न, बहुत अच्छा सा ऐसा लूज टाइप से इसका फिट था स्लीव्स का. स्लीव्स के एंड में आपको इस टाइप से बटन डिटेलिंग मिल जाती है. नेक इसका स्प्रेड कॉलर में दिया हुआ है. फ्रंट में आपको इस टाइप से बटन डिटेलिंग मिल जाती है एंड ये बटन ना आपको थोड़े डिफरेंट कलर में मिल जाती है. इट्स इन ब्लैक एंड ब्राउन कलर. यू कैन सी इसकी लेंथ भी काफी ज्यादा लॉन्ग है. मैंने इसको ना ओपन एंड क्लोज दोनों टाइप से स्टाइल किया है, आपको ट्राई एंड पार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी गाइज ये वाली शर्ट भी स्टाइल करने के बाद. इसका मटेरियल आपको 100% कॉटन मिल जाता है एंड ये ना व्हाइट कलर के कारण थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी है, तो आपको इसके अंदर लाइनिंग कैरी करनी पड़ेगी अगर आप बटन क्लोज करके इस शर्ट को स्टाइल करते हैं तो. एंड इसका जो लुक है, फिट है, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है. इसमें मैंने अपना साइज एम ही ऑर्डर किया है. इसमें मैंने एक साइज बड़ा ही ऑर्डर किया, बट आपका जो यूजुअल साइज है वही ऑर्डर करिएगा. ब्रांड इसका केमिस्ट्री एंड इसका ओरिजिनल प्राइस 1699 है, बट ऑफ में मैंने इसको ओनली 747 रुपीज में ऑर्डर किया है. सो प्राइस वाइज ना ये वाली शर्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है. प्लस ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, आप इसे फॉर्मल वे में भी यूज करेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, तो आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हो. मेरे साइड से तो 10/10 है. स्टार्टिंग की जो दोनों शर्ट मैंने आपको दिखाया ना, ये दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई.
नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट शर्ट. तो ये वाली शर्ट का कलर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इट्स इन डार्क ब्लू कलर. वो जो फिरोजी टाइप का कलर होता है ना, उस टाइप का है ये. यू कैन सी बहुत ही ज्यादा अच्छा एंड सूदिंग सा ब्लू कलर है. एंड इसका मटेरियल भी ना बहुत ज्यादा अच्छा है. कॉटन में भी जो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है ना, उस टाइप का है ये. यू कैन सी ये पूरी ना प्लेन है. आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से एकदम प्लेन मिलेगी. स्लीव की लेंथ इसकी फुल है एंड स्लीव के एंड में आपको बटन डिटेलिंग मिल जाती है. एंड इसका जो नेक है वो आपको स्प्रेड कॉलर में मिलता है. इस शर्ट की ना एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें ये जो बटन है ना, वो थोड़े से ना आपको ऐसे नीचे से मिलते हैं. मतलब ऐसे ऊपर साइड से आपको कोई भी बटन नहीं मिलती है. तो इस टाइप की जो ओवरसाइज शर्ट होती है ना, उसका जो लुक होता है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा आता है. आप साइड में ट्रायन पार्ट में देख सकते हैं, मैंने इसको भी व्हाइट कलर के ट्राउजर के साथ ही स्टाइल किया हुआ था. बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी गाइस. कैजुअल फिट के लिए तो ना ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है. तो अगर आपको ये वाला कलर पसंद आ रहा हो तो जरूर ट्राई कर लो यार, बिकॉज इस टाइप के कलर ना यूजुअली मिलते भी नहीं है. एंड इसका जो मटेरियल भी है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है. बहुत ज्यादा ऐसा हाई एंड टाइप का इसका मटेरियल है. मैंने इसे ऑर्डर किया है हाई स्टार ब्रांड से. मैंने आपको बताया था कि हाई स्टार का जो शर्ट का कलेक्शन है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है. तो एक बार आप उसे जरूर चेक कर लेना. इसमें मैंने अपना साइज एल ऑर्डर किया है एंड इसका ओरिजिनल प्राइस है 2299, बट ऑफ में ये मुझे ओनली 725 रुपीज में मिली है. सो प्राइस वाइज तो ना ये बेस्ट शर्ट है जितनी भी मैंने ऑर्डर की है. तो अगर आपको ये वाला कलर अच्छा लग रहा हो, इसका फिट अगर पसंद आ रहा हो, तो इसे भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट शर्ट. तो ये वाली शर्ट से ना मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी, बट पता नहीं क्यों मुझे ना पहनने के बाद इसका ना फिट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया. अगर मैं कंपेयर करूं बाकी शर्ट से, तो यू कैन सी इट्स इन बेज कलर एंड इट्स इन हाई लो पैटर्न. फ्रंट में आपको इसकी लेंथ लो मिलती है एंड बैक साइड से इसकी लेंथ ना थोड़ी सी लॉन्ग है. ट्राई ऑन पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड ये भी आपको स्प्रेड कॉलर के साथ ही मिलती है. स्लीव्स की लेंथ इसकी फुल है एंड शोल्डर में ये भी ना आपको ऐसे ड्रॉप डाउन पैटर्न में मिलती है. एंड बैक से भी ये सेम ही है. पूरी प्लेन शर्ट है ये. वैसे कलर इसका काफी ज्यादा अच्छा है. बेज कलर की शर्ट ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है स्टाइल करने में. एंड इसे आप डिफरेंट डिफरेंट वे में भी स्टाइल कर सकते हैं. बट इसका जो फिट है ना, वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों. इसे मैंने ऑर्डर किया है बू ब्रांड से. वैसे इस ब्रांड को ना मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. काफी अच्छी ना इसकी शर्ट का कलेक्शन मुझे दिख रहा था, तो सोचा एक बार ट्राई करते हैं. वैसे मटेरियल तो इस शर्ट का अच्छा है, बस थोड़ी सी ना मुझे फिटिंग में प्रॉब्लम लगी. साइज मैंने अपना इसमें UK 10 ऑर्डर किया है. एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना गाइज, वो काफी ज्यादा हाई है. इट्स इन 3800, बट मैंने इसको ऑर्डर किया है 1100 रुपीज में. तो प्राइस वाइज मुझे ना ओके लगी. समझ में नहीं आ रहा मैं इसको रखूं या रिटर्न करूं. सो इट्स ऑल अप टू यू. अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज मटेरियल मुझे इसका अच्छा लगा. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट शर्ट. तो ये वाली शर्ट ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं की है, इसे मैंने ऑफलाइन परचेस किया है H&M से. बट मैं आपके साथ शर्ट्स का कलेक्शन शेयर कर रही थी, तो सोचा ये वाली शर्ट भी इंक्लूड कर देती हूँ, बिकॉज मैंने ये रिसेंटली ही परचेस किया है H&M के स्टोर से. एंड ये मुझे ऑनलाइन भी दिख रही थी. यू कैन सी इट्स इन व्हाइट कलर. एकदम प्लेन व्हाइट शर्ट है ये. एंड व्हाइट शर्ट इज मस्ट फॉर एवरी वार्डरोब. अगर आपके पास नहीं है कोई भी व्हाइट शर्ट, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज व्हाइट गोज विथ एवरीथिंग. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो बस आप एक व्हाइट एंड ब्लैक कलर की शर्ट परचेस कर लो, बिकॉज ये सबके साथ चले भी जाती है. एंड पहनने के बाद जो ओवरऑल लुक होता है ना व्हाइट शर्ट का, वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है. यू कैन सी आपको स्प्रेड कॉलर में मिल जाती है. स्लीव की लेंथ इसकी फुल है. कुछ इस टाइप से इसका ओवरऑल पैटर्न है. मटेरियल इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. वैसे भी H&M के जो मटेरियल की क्वालिटी होती है ना गाइज, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने इसको ना ओवरसाइज फिट देने के लिए L साइज में ऑर्डर किया हुआ था. एंड L की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है मुझे फॉर ओवरसाइज लुक. इसका आई थिंक प्राइस ना थोड़ा सा ज्यादा है, समथिंग कुछ 1200 रुपीज. बट ये ना मिंत्रा में हर टाइम कुछ ना कुछ ऑफ में ही मिलती है, तो आप इसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं. व्हाइट कलर की शर्ट मस्ट हैव होती है वार्डरोब के लिए. अगर आपके पास नहीं है कोई भी, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल दी शर्ट्स जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी. एक शर्ट बस मुझे पसंद नहीं आई, बट उसके अलावा सभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, प्राइस वाइज भी मटेरियल वाइज भी. तो अगर आपको कोई भी पसंद आ रही हो, मैं प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साइड में जो बेल बटन है ना, उसे क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए. नाउ वी विल मीट इन next video. Till then, bye bye, take care.